नमस्कार बच्चों, वेलकम टू राजदीप क्लासेस। तो आइए 8th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 दस नंबर ही। ओके, क्वेश्चन 10 बोलता है राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। वो नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो। जैसे हम अगर वन की बात करें तो वन 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 बाय वन है, टू की बात करें वन बाय टू है, लेकिन अगर जीरो की बात करें, जीरो यानी जीरो बाय वन, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा। उल्टा क्या? वन बाय जीरो, और वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब एक ही है जिसका कि रेसिप्रोकल नहीं है, दैट इज जीरो। तो आपका आंसर हो जाएगा जीरो। सो जीरो इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वो रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर हैं। जैसे एक तो वन है, वन मतलब वन बाय वन है ना, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? वो भी वन बाय वन ही हो, यानी वन का रेसिप्रोकल वन ही है। तो एक तो वन हो गया, दूसरा माइनस वन। जैसे माइनस वन है, माइनस वन यानी माइनस वन बाई वन, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वन बाई माइनस वन, और ये निशान इसको ऊपर लगा, ऊपर कर लो, यानी इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये वही आ जाएगा माइनस वन बाई वन, जो कि माइनस वन बाई वन था। सो सेकेंड वन इज माइनस वन। एक वन हुआ, दूसरा माइनस वन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो कि अपने नेगेटिव के भी बराबर है। भाई वो नंबर तो सिर्फ जीरो ही है, क्योंकि जीरो का नेगेटिव क्या होगा? जीरो इक्वल टू नेगेटिव जीरो, माइनस जीरो, और जीरो को का जीरो है न माइनस है न प्लस है ना, यानी इक्वल टू जीरो। तो द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव दैट इज जीरो। सो जीरो इज द राइट आंसर। बस इतना सा ही था, होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो जाते जाते एक लाइक बटन प्रेस करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।